आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी, मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। और आज हम बात करने जा रहे हैं 5 मई को होने वाले नीट के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि नीट का जो पेपर था वो लीक हो गया, जिसकी वजह से 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक गया है। कई तरह की बातें चल रही हैं, बहुत सारी अब ये अफवाहें हैं या सच्चाई है इन बातों में। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए और नीट का एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है, किस तरह का पेपर आया था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम लोग आज आए हैं हयात एकेडमी। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आमिर तौफीक साहब, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आमिर साहब के पास बैठते हैं और बात करते हैं एक तो इस पर कि नीट का एग्ज़ाम क्या है, क्यों दिया जाता है। दूसरी चीज़, क्या ये अफवाह मात्र है या सच है कि नीट का एग्ज़ाम का जो पेपर था वो लीक हो गया और उसकी वजह से 24 लाख स्टूडेंट जो पूरे हिंदुस्तान के थे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आमिर तौफीक से। हम लाए हैं आपको डॉक्टर आमिर तौफीक साहब के पास, जो कि हयात फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, और बात करेंगे नीट के एग्ज़ाम के बारे में इनसे। तो आमिर सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। और मैं आज जो आपके पास आया हूँ, जो 5 मई को नीट हुआ है एग्ज़ाम, उसके बारे में जानने के लिए आया हूँ जी। देखिए सर, नीट का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली मेडिकल MBBS और अदर जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है। NTA एजेंसी है जो इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराती है। और बेसिकली ये टेस्ट हर साल मई के पहले सप्ताह में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अच्छा सर, मैं जो मिलना है ना आपसे, सबसे मेन तो ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है और 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में आ गया है। इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए सर, ये पेपर लीक तो नहीं कह सकते हैं, कुछ न्यूज़ हैं जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो थोड़ा गलत तरीके से हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया है और इंग्लिश के का स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया है, लेकिन NTA ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और NTA ने एक ऑफिशियली प्रेस भी रिलीज़ कर दी है कि भाई पेपर लीक जैसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है और पेपर पूरी तरीके से एथिकल है, दोबारा से पेपर होने के कोई चांसेस नहीं है। यानी नीट का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर आमिर तौफीक बता रहे हैं कि NTA ने एक ऑफिशियली लेटर रिलीज़ किया है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो सर चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो अभी तक टेंशन बनी हुई थी लोगों की वो दूर होगी, आपने बताया। दूसरा ये कि हयात का रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है। देखिए सर, अगर हयात की हम बात करें तो इस साल हमने लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेडिकल की तैयारी कराई है और आंसर की के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने बच्चों के क्वेश्चन पेपर को चेक किए हैं, लगभग 40 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 450 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा स्कोर है। और रुड़की के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि रुड़की से ही कोचिंग किया हुआ कोई स्टूडेंट 698 मार्क्स तक गेन कर रहा है। हमारे लगभग 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, एक बच्चे के 698 नंबर हैं 698 मार्क्स हैं, और एक के 692 नंबर हैं 692 मार्क्स हैं। बहुत बड़ा रिजल्ट क्लेम कर रहे हो सर। जी सर बिल्कुल, रुड़की के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक कोचिंग से पढ़े हुए 2 स्टूडेंट इतने ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाएं। जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए कर रहा हूं, बहुत बड़ा रिजल्ट ये क्लेम कर रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रियल रियलिटी में सामने आ जाता है ग्राउंड लेवल पे, और बहुत बड़ी बात होगी। इस रिजल्ट से ना उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि रुड़की जैसे छोटे शहर के अंदर मेडिकल की कोचिंग नहीं हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ काशिफ जी, हमारे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स की मेंटेलिटी यह है कि आप अपने बच्चों को कोटा, चंडीगढ़ या दिल्ली या देहरादून तैयारी के लिए भेजिए। कोटा को ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोटा वाले कोई इंजेक्शन लेकर नहीं बैठे हैं कि वो लगाएंगे और बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। वहाँ भी हमारी जैसे टीचर हैं, हमारी जैसा सिस्टम है, लेकिन जितना मैन टू मैन मॉनिटरिंग हम स्टूडेंट की कर सकते हैं, और ये समझिए कि 150 बच्चों में से 40 बच्चे 450 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोटा के अंदर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तब लाखों बच्चों में से 500 या 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और मैं 150 में से 40 बच्चों का 450 से ज़्यादा स्कोर दे रहा हूँ, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 700 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है जो अपने बच्चों को मेडिकल की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं और बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। अब आप अपने ही शहर में रखकर बच्चे को मेडिकल के बड़ी
अच्छे स्तर की कोचिंग दिला सकते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब से इस प्रोफेशन में हूँ जर्नलिज्म के, तो शायद इतना स्कोर 692 या 690 रुड़की शहर से नहीं रहा, से नहीं आया, और अभी नहीं आया एक ही कोचिंग सेंटर से, एक इंस्टीट्यूशन से इतना मतलब स्टूडेंट्स का निकलना एक साथ 40 से 50 के बीच में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका सर मैं पूरा श्रेय अपनी टीम को देना चाहूँगा। मतलब मेरे पास में जो टीम है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, काम कर रहे हैं सभी लोग, बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, बहुत डेडिकेटेड टीम है। वो पैशनेट है टीचिंग को लेकर, और वो चाहते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो, बच्चे निकलें यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को ध्यान में रखना, उनके छोटे से छोटे सवालों को ध्यान में रखना, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है उस गलती में सुधार करना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिकली एक बैच चलाते हैं, काशिफ जी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अचीवर और रैंकर बैच के नाम से, उसमें हम बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हैं। जैसे मोस्टली मेडिकल की कोचिंग करने वाले बच्चों को फिजिक्स क्लियर नहीं होती है क्योंकि उसके पीछे मैथ्स का रीज़न होता है, या केमिस्ट्री क्लियर नहीं होती है क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं, तो हम बच्चों की वो जो रूट कॉज वाली प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनसे वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, उस समस्या के समाधान की हम कोशिश करते हैं। तो इस सफलता का पूरा श्रेय मेरी टीम को है, बच्चों को है, पेरेंट्स को है जिन्होंने इतनी मेहनत की, उन पेरेंट्स को है जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, अपने बच्चों को यहीं रखा, और एक बहुत ही अच्छा परिणाम आज हम लोगों को मिला है। तो ये रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होने वाला है? रिजल्ट देखिए अभी कोई ऑफिशियली डेट तो नहीं है, लेकिन आई थिंक जून के पहले या दूसरे वीक में रिजल्ट जो है वो हमारा आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपने कहा है वो सच होने जा रहा है, तो बड़े टॉपर्स आपके यहाँ से निकलने वाले। बिल्कुल बिल्कुल काशिफ जी, बिल्कुल। तो कोटा को लेकर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, अक्सर हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ है सुसाइड करने वाली जी। बड़ा मन दुखता है कि माँ बाप ने मेहनत करके बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए, बच्चे ने मेहनत की, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लेता है, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए सर, रीज़न तो ये जो मैं आप सुसाइड वाले रीज़न है ना, सही मायने में अगर देखा जाए, बच्चों को जब उनके मन मुताबिक स्कोर नहीं मिल पाता है, उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बच्चे को अपने शहर में रह के कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो मोरल सपोर्ट पेरेंट्स से और टीचर से मिलना चाहिए ना बच्चों को, वो दूर शहर में रहकर मिल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि भाई बच्चे सुसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक समाधान ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा मोरली सपोर्ट करना चाहिए बच्चे। पेरेंट्स के नाम कोई मैसेज इस चीज पे आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर। अगर बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, हर बच्चे के, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा नीट के लिए ही बना है या हर बच्चा जेई के लिए बना है, हर बच्चे की अपनी एक अलग एबिलिटी होती है, तो प्लीज़ आप उसकी एबिलिटी को पहचानिए और उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपके शहर रुड़की में ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही नेशनल लेवल की कोचिंग अवेलेबल है, जिसमें हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं पेरेंट्स को भी इन्वाइट करूँगा, मैं स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट करूँगा कि आप आइए और देखिए सिस्टम को, हमारे सिस्टम को, और समझिए कि किस तरीके से हम स्टूडेंट को नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरी और डॉक्टर आमिर तौकीर साहब की बातें सुनी, और ये भी जाना कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, आंसर की से इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है, और ये बहुत बड़ी बात है रुड़की के लिए कि यहाँ के दो स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पे जाकर अचीवमेंट लेने वाले हैं, और सिर्फ 150 स्टूडेंट से 40 स्टूडेंट के लगभग निकाल लेना, ये किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमें इंतज़ार रहेगा रिजल्ट्स का, और उसके बाद फिर एक बार आमिर तौकीर साहब से हमारी मुलाकात रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी, धन्यवाद।